ये जो समाधि स्थल लिखा हुआ जिन जिन महान पुरुषों का, ये जो है किसी न किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एक ना एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी याद करेंगे, देखते हैं कैसे याद होता है। तो राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम है, राजघाट महात्मा गांधी का, 2 बार 3 बार बोलना है एक ही नाम को तो उससे याद हो जाएगा 100%। उसके बाद शांतिवन, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय होने के बाद ही कि मतलब किसी को लाल कहा जाता है ना, बोलता है बिहार का लाल, तो मतलब विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी क्या थी बहुत पावरफुल महिला थी, इसीलिए उसका शक्ति स्थल नाम रखा गया। अभय घाट मुरारजी देसाई, अभय घाट मुरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान का क्या करते हैं जब सीजन पर फसल उगता है तो चौधरी साहब क्या करते हैं उसके चरण पर करते हैं कि हमको अनाज दे दीजिए, हमको अनाज दे दीजिए, इसीलिए याद रखना है चौधरी चरण सिंह किसान घाट। और वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी रखते हैं। समता स्थल जगजीवन राम, जगजीवन, जीवन में क्या होनी चाहिए समता होनी चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, इसीलिए जीवन, जीवन से क्या रखेंगे जगजीवन से समता स्थल। और चित्रा भूमि, चित्रा भूमि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चित्रा भूमि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह के नाम से एकता स्थल, ठीक ना। और कर्म भूमि के नाम से शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि इसका जो है समाधि स्थल है। और इस समाधि स्थल जो है किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है, तो इसको हम लोग किसी न किसी तरह से याद 2 बार 3 बार पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो अगर हमारा ये मेहनत आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।